वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बनाएंगे इंडियन राइनोसोरस का ड्राइंग, जो हमारा भारतीय गेंडा है एक सिंग वाला, उसका ड्राइंग हम आज बनाएंगे। बस 3 S की मदद से, कुछ नहीं करना है, कागज़ पर बिल्कुल जैसे है वैसे ही हमें 3 S बनाने हैं। देखिए इस तरह से 3 S हमने बना दिए। पहले वाले S में ही हमारे गेंडे के सिंग बन जाएंगे और उसका कान भी बन जाएगा। देखिए उसका चेहरा हम बना लेंगे पहले वाले S में से, कितनी आसानी से ऊपर वाला जो S का भाग है उसी में से उसका कान बन गया। यहाँ पर उसकी आँखें, छोटी सी आँखें होती है बिल्कुल सिंगों के पास, देखिए कितनी आसानी से उसका चेहरा बन गया। अब हम क्या करेंगे, उसकी गर्दन बनाएंगे, थोड़ी सी सिलवटें उस पर दिखाएंगे। यहाँ पर उसकी पीठ थोड़ी सी नोकदार इस तरह से, यहाँ से उसके हम पैर बनाएंगे। गेंडा ऐसा जानवर है, उसके शरीर पर ज़्यादा मांस होता है, चमड़ी होती है, ज़्यादा सिलवटें भी होती है। देखिए इस तरह से उसके आगे वाले पैर हम बनाएंगे, बिल्कुल 2 नंबर का जो S है बिल्कुल उसी के नीचे। देखिए कितनी आसानी से उसके नाखून भी बड़े बड़े होते हैं बिल्कुल हाथी की तरह। देखिए इस तरह से उधर वाला पैर भी उसका बन जाएगा पहले वाले पैर को डबल लाइन करके। अब पहले जैसा S हमने ड्रॉ किया है उसी एंगल में पीछे वाले S को हम ड्रॉ करेंगे। देखिए तो उसके पीछे के पैर बन जाएंगे, लगभग चारों पैर उसके सेम ही हमें दिखते हैं, बड़े बड़े से पैर होते हैं। देखिए इस तरह से उधर वाला पैर भी पहले वाले पैर को हम डबल लाइन करके बनाएंगे। यहाँ पर उसकी पूंछ, बहुत ही सुंदर सा ये प्राणी है एक सिंग वाला गेंडा, जो बस भारत में ही पाया जाता है, बाकी दुनिया में 2 सिंगों वाले गेंडे पाए जाते हैं। देखिए इस तरह से कुछ लाइन्स भी हम उस पर ड्रॉ कर सकते हैं सिलवटे। देखिए कितना सुंदर सा हमारा गेंडे का ड्राइंग, इंडियन राइनोसोरस का ड्राइंग बन गया 3S की मदद से। अब हम सुंदर तरीके से इस ड्राइंग को कलर करेंगे। आप भी शांति से आराम से इस ड्राइंग को बनाइएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे ड्राइंग टीचर सूरज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके। कितनी अच्छी बात है, देखिए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े प्राणी हैं, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, वो सब घास फूस खाते हैं, वेजिटेरियंस है। देखिए गेंडा भी घास ही खाता है। देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी ही फिर से मिलते हैं।